बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही प्यारी सी वेडिंग फ्रॉक बेबी गर्ल की लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी सी मैंने स्टिच की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कुछ मैंने गोल गला बनाया और इस पर ये मैंने बारीक वाली ब्लैक कलर की लेस लगा दी। तो देखें, नीचे से जो रेड कलर है सिल्क का, वो शाइन कर रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला यहाँ रख कर मैंने एक फ्लावर था मेरे पास, वो लगा दिया। इसको मैंने डबल फ्लेयर में बनाया। जो इसके साथ बॉर्डर था एक साइड पर, वो बॉर्डर मैंने नीचे कर दिया और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पेंटिक्स डालकर इस तरह से डबल में बना दिया इसको। ये वाले फ्रॉक का ट्रेंड बहुत ज़्यादा फैशन में है। आप टिकटॉक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, वहाँ पर आपको मेरी बहुत सी वीडियो मिलेंगी और इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सी फ्रॉकें इस तरह से हैं। बहुत ज़्यादा ये इन है, इस देखें, ये सारा शाइन ऊपर कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है फ्रॉक। इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, देखें ये सिल्क शमूज लगी है और इसके नीचे जो मैंने केन लगाई, नीचे मैंने मलमल का इसका कपड़ा लगाया, तो थोड़ी सी फुली फुली बन गई है, फ्लफी सी, जिस तरह से रेडीमेड होती है। तो इसके बाजू देखें, ये आगे बाजू पे भी जो बॉर्डर आ रहा था इस तरह से मैंने बाजू पर लगा दिया। नीचे भी मैंने इसके सिल्क का कपड़ा लगाया और यहाँ थोड़ी सी मैंने इसके चुनर डाल दी, एक पफ सा बन गया थोड़ा सा। आगे से बाजू मैंने थोड़े टाइट कर दिए, तो पहना हुआ यहाँ बच्ची के कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। देखिए ये पफ स्टाइल में थोड़ा सा बाजू बन गया, जो कि पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और इसकी बैक देखें, बैक भी इसकी बहुत खूबसूरत है। बैक पर ये मैंने मल्टी कलर में जिप लगा दी है और ये मैंने इस पर वो बनाकर लगाई है। इसकी भी शॉर्ट वीडियो आपके मेरे चैनल नुसरत फैशन लाइफ स्टाइल पर मिल जाएगी। ये मैंने दूसरा मेरा चैनल है नुसरत फैशन लाइफ स्टाइल शॉर्ट, उस पर मैं सारी शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। तो देखें बनी हुई कितनी प्यारी लग रही है। बैक पर ये फूल बना हुआ और बैक पर भी इसकी डबल लेयर है, नीचे बॉर्डर है, ऊपर इस तरह से नेट है। इस तरह जब पहनेगी तो नीचे से ये ऑरेंज कलर की शाइन देगी, ऊपर ब्लैक का टच आएगा, जो कि पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। और इसके साथ मैंने शरारा रेडी किया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसके साथ इस तरह से मैंने शरारा बनाया। ये ऊपर मैंने सादा सिल्क रखी है, लास्टिक लगा दी ऊपर, और जो नीचे शरारे का जो फ्लेयर था उस पर मैंने ये नेट लगा दी और नीचे ये शटर लेस लगा दी इस तरह से। इसके भी मैंने एक पेंटिक्स यहाँ डाला है और एक दरमियान में और एक इस साइड पर, बस तीन पेंटिक्स डाले शरारे के। ये देखें, ये भी तकरीबन 5 साल की बच्ची की फ्रॉक मैंने रेडी की है। ये देखें फ्रॉक के साथ इस तरह से मैंने खुला शरारा बनाया ये जी। तो ये वाली फ़्रॉक देखें, ये भी बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो रिलेटिव में, दोस्तों में शेयर किया करें। तो देखें, मैंने इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही प्यारी सी अपनी तरफ से की है, उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छी लगेगी। तो देखें ये इस तरह से सारा इसमें सिक्वेंस वर्क है, सेम कलर में ये इस तरह से ये बने हुए हैं। ये देखें, तो इस पर यहाँ पर मैंने इसके साथ अलग से नेक ली थी, उसकी यहाँ पर रफल बनाकर लगाई। और इस ये स्लीव लेस है, इस पर भी ये मैंने रफल बनाकर लगा दी। गुम सिलाई में मैंने इसको स्टिच किया और ये फूल साथ में स्टिचिंग के, जब स्टिचिंग के लिए ये फ्रॉक आई तो साथ में ये फ्लावर वगैरह आए थे, थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए भी चीज़ें साथ ही आती हैं। तो ये मैंने दो यहाँ पर लगा दिए और एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। देखें खूबसूरत सी लुक आ गई। और ये मैंने बॉक्स प्लेट इस पर डाले थे उठाकर इस तरह से, तो नीचे भी नेट की ये रफल बनाकर लगाई और ये भी सिल्क इसके नीचे लगाई। और इसकी मैंने जो कटिंग की थी नीचे वाले गियर की, वो मैंने अम्ब्रेला में कटिंग की थी और इसके नीचे केन। तो बिल्कुल ये रेडीमेड स्टाइल में एक लुक आ जाती है। रेडीमेड में आप देखें बाजार में जाकर, इसी तरह से बनी होती हैं, केन लगी होती है मलमल के साथ, ऊपर सिल्क होती है और ऊपर जो उसके मेन फैब्रिक होता है वो लगा होता है। किसी भी स्टफ़ में हो तो आप गर्मियों में इस तरह से बच्चों के, आपको आइडिया मिल जाएगा, आप बना सकते हैं खूबसूरत सी फ्रॉक बच्चों की। तो बैक देखें, यहाँ पर मैंने इसके इस तरह से एक होल सा बनाया, नीचे यहाँ तक मैंने इसके कट लगा दिए, एक लूप यहाँ लगाया और एक लूप इधर लगा कर यहाँ मैंने बटन लगा दिया और ये वो बनाकर मैंने लगा दी। ये देखें, इससे तो एक खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाती है। ये देखें, इसके साथ भी मैंने ये कैपरी रेडी की है और इसके पांचे पर कुछ इस तरह से डिजाइनिंग की है, यहाँ एक रफल बनाकर लगा दी और एक इधर। अगर आप चाहें तो इस तरह फूलों के साथ मैचिंग करके इस पर मोती लगा दें,
मैंने नहीं लगाए क्योंकि बच्चों के चुभते हैं, तो इसलिए मैंने सादा ही रखा है इसको। ये फ्रॉक भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, उम्मीद है कि आपको ये फ्रॉक भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो नीचे फुल फ्लेयर के साथ मैंने ये फ्रॉक रेडी की है, ब्लैक नेट है, साथ में मल्टी में एम्ब्रॉयडरी है, तो आपके बच्चे के पहने हुए बहुत ही प्यारी लगेगी। आप देखें, आप इस तरह से नेट लेकर नीचे लॉन लगा सकते हैं, आगे लॉन समर का आ रहा है सीज़न, तो आप इस तरह से नेट लगाकर नीचे लॉन लगा सकते हैं। आप सिल्क ना लगाएं, तो ये देखिए मैंने स्मूथ सिल्क लगाई, इसके नीचे मैंने ये केनकेन लगाई, और ये यहाँ से मैं यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ से मैंने 5 इंच छोड़कर इसके नीचे ये 5 इंच की केनकेन लगाई है। यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया ताकि धागे वगैरह ना निकले, और यहाँ मैंने मलमल यूज़ किया है, बारीक लॉन का कपड़ा यूज़ किया ताकि यहाँ से बच्चे के चुभे ना, तो थोड़ी मैंने नीचे रख कर लगाई इस तरह से। केनकेन लगाने का फ़ायदा जो होता है कि थोड़ी फ्रॉक रेडीमेड स्टाइल में आ जाती है, फ्लफी फ्लफी सी हो जाती है। तो इसके बाजू देखें कितने प्यारे बाजू हैं, बाजू मैंने इसके पफ वाले बाजू बनाए हैं, इसके नीचे मैंने कपड़ा नहीं लगाया, ऐसे ही नेट के बाजू बनाए, आगे से मैंने थोड़ा सा बाजू टाइट कर दिया। और जितना मेरा इसको बनाने का तरीका यह होता है कि जितना आपके बाजू का साइज़ होता है आप उतना रख लें, उससे आगे आप 4 इंच 5 इंच रख लें। तो मैंने आगे 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था और इतना बाजू का मेरा साइज था। तो यहाँ पर मैंने धागे से सिलाई लगाई, उससे धागा खींच कर ये मैंने इसमें चुनर डाली। तो इस तरह से ये देखें ये इसकी लुक बनेगी। तो पहना हुआ माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रॉक रेडीमेड लगता है, कोई पहचान ही नहीं सकता अगर आप इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से खूबसूरत से बनाएं कि ये घर पर स्टिच किए हुए हैं, क्योंकि ये रेडीमेड से ज़्यादा पायदार बन जाते हैं, तो पहने हुए प्यारे लगते हैं जी। तो इसके बैक देखें, बैक पर ये मैंने पट्टी बनाई ब्लैक कलर की, और ये काज करवा कर उस पर दो मल्टी में ही ये मैंने दरमियान में जो है ये सारा मल्टी में मैंने बटन लगा दिए बहुत ही प्यारे से। और नीचे के ये मैं वो की डिज़ाइनिंग दिखाऊँ आपको, देखें कितनी प्यारी है। तो मैंने ये ऑफ वाइट, ये सारा शेड ऑफ वाइट में है, तो ऑफ वाइट नेट थी मेरे पास, ये पीस मैंने लिया और ये वाला सिल्क का, तो इसको मैंने स्टिच किया। स्टिच करने के बाद इसको मैंने एक साइड पर मेरी नेट थी, एक साइड पर सिल्क थी, तो यहाँ से पकड़कर मैंने इसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने यहाँ से इसको पकड़कर ऐसे घुमा दिया, एक साइड मैंने ब्लैक कर दी और एक ऑफ वाइट आ गई। यहाँ मैंने जो नेट थी मेरे पास वो नेट घुमा कर यहाँ से मैंने इसको टाइट कर दिया। इसकी भी शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी किस तरह से मैंने इसको बनाया है। देखें डबल शेड में आ गया और कितना प्यारा लग रहा है बना हुआ। तो यहाँ पर मैंने इसके टांके लगा दिए दोनों साइड पर, एक एक स्टिच लगा दिया ताकि ये पहना हुआ ऊपर को उठे ना, सेम इसके साथ हो जाए ये। तो ये देखें नीचे से माशाल्लाह से बहुत प्यारी ये फ्रॉक है। तो इसका मैं आपको ट्राउज़र दिखाऊंगी, इसके साथ मैंने थोड़ा सा कैप्री स्टाइल में ये पजामा रेडी किया है। देखिए ऊपर मैंने लास्टिक लगा दी, तो ये देखें यहाँ से मैंने थोड़ी सी इसको चूड़ीदार टच दिया है पजामे का। तो इतना मैंने 4 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखा था नीचे पांचे पर सिलवटें डालने के लिए, तो यहाँ से मैंने ये 2 इंच का इसका कट रखा और यहाँ पर मैंने स्टिच बटन लगा दिया ताकि बच्चे को पहनने में आसानी हो। तो ये खुली फ्रॉक थी फुल फ्लेयर के साथ, इसके साथ ये मैंने चूड़ीदार सा पजामा बना दिया, बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई, एक बहुत लुक वाइज फ्रॉक माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।